के गलत तरीके से तबादले हुए थे, इन्हें रद्द कर दिया गया। 48 डॉक्टरों के नाम गलत ढंग से अंकित किए गए थे। लेवल 1 के 313 चिकित्सा अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे। लेवल 1 अधिकारियों की सूची में अंकित किए गए थे लेवल 2 और 3 के डॉक्टरों के नाम। इन सभी 48 डॉक्टरों का स्थानांतरण अब रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अड़तालीस डॉक्टरों के गलत ढंग से हुए तबादलों को रद्द किया गया है। गलत ढंग से नाम इनके अंकित किए गए थे और इनके ट्रांसफर हुए थे। लेवल 1 अधिकारियों की सूची में अंकित किए गए थे लेवल 2 और 3 के डॉक्टरों के नाम और अब फिलहाल इनके स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कई गड़बड़ियां इसमें पाई गई थी और अब जिस तरीके से ये पूरी खबर निकल कर आई है, स्थानांतरण को ही रद्द कर दिया गया है और क्या जानकारी है संजय आपके पास? बिल्कुल साथियों, बताऊं आपको कि स्थानांतरण को लेकर के लगातार जो दिक्कतें थी वो निकल करके बाहर आ रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरीके से मनमाए ढंग से डॉक्टरों के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे उसमें आज 48 जो डॉक्टर्स हैं उनको उनके तबादले जो है वो निरस्त किए गए हैं। आपको बताऊं कि लेवल 1 के 313 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले निरस्त किए गए थे लेकिन उस पर इस तरीके की मनमानी थी कि 48 ऐसे चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया जिनमें लेवल 2 और लेवल 3 के आयुष दंत या अन्य संवर्ग के डॉक्टर थे उनका हालांकि तबादला आज जितनी किरकिरी के बाद रद्द कर दिया गया है। अब वो उसी जगह पर रहेंगे जहां पर उनका जहां से उनका तबादला किया गया था। तो गड़बड़ियों के बाद अब विभाग सुधार करने का की जो प्रयास है उसमें जुटा हुआ है लेकिन अभी बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। स्वाति, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए संजय। और अब